हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किसी भी अकाउंट का बैंक का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बैंक का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले दो मेन चीज़ें हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं अगर मोबाइल फ़ोन से, तो कैसे चेक करना है इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले अब मेन बात जो है वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जिस भी मोबाइल से आप बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, उसमें आपका सिम लगा होना ज़रूरी है, उस मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। ओके, तो उस मोबाइल नंबर को आपके मोबाइल में लगा हुआ ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन साइड में जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। तो ये रहा हमारा प्ले स्टोर, इसको ओपन करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सर्च बार आपको गूगल पे का ऊपर में दिखाई देगा, यहाँ पे सिंपली आपको लिख लेना है चेक बैंक बैलेंस। ओके, चेक बैंक बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यहाँ पे ये बैंक अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी और फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो इसमें से दोनों एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4.3 का रेटिंग दिया हुआ है और यहाँ पे 4.1 का है, तो मैं ये 4.3 आपको सजेस्ट करूँगा और 4.4 जो भी आपको यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये वाला मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इससे आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए होम स्क्रीन से मैं चलता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप आ चुके हैं, ये देखिए मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो ये देखिए, चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस सामने आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलाउंस मांगेगा, तो उसको अलाउ कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आपको लिख करके आ रहा है मिस कॉल बैलेंस चेक करना चाहते हैं आप, या फिर SMS बैंकिंग करना चाहते हैं, या फिर IFSC MICR कोड इंटरनेट बैंकिंग, या फिर तो हम मिस कॉल से बैलेंस चेक करना बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको इसमें से बैंक सेलेक्ट करना है जिस भी अकाउंट में आपका खाता है। यहाँ पे आपको सारे बैंक यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको जिस भी अकाउंट में खाता है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो जो भी बैंक का खाता है उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल किसी का एक्सिस है तो यहाँ पे एक्सिस सेलेक्ट करेगा, किसी का आंध्रा बैंक है या फिर एक्सिस या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वो सेलेक्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट इंक्वायरी करने का। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको जो मिलता है वो बैंक बैलेंस चेक करने का मिलता है, और यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट चेक करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको बैंक बैलेंस चेक करना है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे जो कॉल का लोगो बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। तो ये जो कॉल वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपके मोबाइल में सिम कार्ड वही इंसर्ट हो जो सिम कार्ड आपने बैंक अकाउंट में दिया है, वही सिम कार्ड आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप उस बैंक का आप बैलेंस मालूम कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन आएगा फोन कॉल, तो यहाँ पे फ़ोन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फ़ोन लगेगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, और ये फ़ोन खुद ब खुद कट जाता है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में बैंक बैलेंस आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे आपको बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट का बैलेंस आपके सामने यहाँ पे शो हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, जिस भी अकाउंट में आपका खाता है उसका यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, उसको चूज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।